गुजरात में ओमिक्रॉन वेरियंट नो नोंधायो प्रथम केस। जामनगर में जिम्बाब्वे थी आवेला व्यक्ति नो रिपोर्ट आव्यो ओमिक्रॉन पॉजिटिव। संक्रमित व्यक्ति ना संपर्क में आवनारा तमाम लोगों ने कराया आइसोलेट। तो आरोग्य सचिव मनोज अग्रवाले कहू संपर्क में आवेला तमाम लोगों नू कराई रह्यु छे टेस्टिंग। नागरिकों ने सरकार की गाइडलाइन अनुसरवा करी अपील। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले नवा वेरियंट ओमिक्रॉन ने लईने गांधीनगर खाते योजी उच्चस्तरीय बैठक। ट्रेसिंग टेस्टिंग अने पॉजिटिव केस में ट्रीटमेंट नी व्यूहरचना साथे आगळ वधवा पर मुख्यमंत्रीए मुक्यो भार। तो नवी गाइडलाइन्स नो राज्य में चुस्तपणे अमल नी सूचना। जीतू वाघाणीए कह्युं नागरिकोने गभरावानी नथी जरूर। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल गांधीनगर खाते कर्णावती यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नो करावियो प्रारंभ। यूथ पार्लियामेंट थी युवा प्रतिनिधिओ तैयार करवानी प्रतिबद्धता व्यक्त करता मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सीएए एज्युकेशन पॉलिसी सहित विविध सांप्रत प्रवाहों मुद्दे चर्चा में युवाओं ने मजबूती साथ भाग लेवा करी हाकल। भारतीय जलसीमामांथी बे बोट सहित झड़पाया 18 पाकिस्तानी माछीमारों। झड़पायेला 18 माछीमारों ने लवाया ओखा। ड्रग्स और हथियारों की दाणचोरी की वधती जती घटना ने पगले सुरक्षा एजेंसीओ करशे तपास। उत्तराखंड ने मिली विकास योजनाओं की भेट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देहरादून में 18,000 करोड़ की विविध विकास परियोजनाओं कर लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री कहू डबल एंजीन की सरकार थकी उत्तराखंड में वही रही है विकास की गंगा। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बे दिवस माटे जैसलमेर प्रवासे। गृहमंत्रीए नतोट रायर माता मंदिर में करी पूजा अर्चना। बीएसएफ राजधानी दिल्ली ने जगह सरहद पर प्रथमवार उजवी रह्यो छे स्थापना दिवस। चौबीस कलाक में देश में नोंधाया कोरोना 8,603 नवा केस। तो 126 करोड़ ने पार थयो रसीकरण आंकड़ो। 98.35% पहुंचो रिकवरी रेट। तो आ तरफ राज्य में शुक्रवार नोंधाया कोविड 45 केस। तो 45 दर्दीए आपी कोरोना ने मात। राज्यनी 10,000 થી વધુ ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ। ફોર્મ ભરવા ઉમેદવારોની સરકારી કચેરીમાં ઘસારો। 19 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાશે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી। તો બ્રિજેશ મિરજાનું વતન ચમન પર ફરી એકવાર સમરસ ગ્રામ પંચાયત જાહેર। સતત સમરસ ગ્રામ બની નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત કરતી ચમન પર પંચાયત।